हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 345 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई इंटू 5। तो हमें मल्टीप्लिकेशन ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है। सबसे पहले जो नंबर हम जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन, जिसकी हमने टेबल बोलनी है, उस टेबल का किससे करते, पहले इससे करते। अगर इस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये वाली चीज़, 1 वाला 5। कैरी हमारे कितनी आ गई, 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब 5 की टेबल हमने इससे बोले, अब हमें 5 की टेबल 4 से बोलनी। तो अगर हम 5 की टेबल 4 से बोलेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। देखो 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। कितना आ रहा, 20। और कैरी 2 थी, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 22। 22 कितना आएगा, 2 22, ऐसे लिखा जाता है। तो हमने लिखे यहाँ पे 2 और फिर कैरी 2। अब 5 की टेबल कितने तक बोलनी, 3 तक बोलनी, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे आ रही 15 और 2 कैरी थी, तो कितना हो जाएगा, 17। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 4 की टेबल हमें कहाँ तक बोलनी, 4 की टेबल में 4 तक बोलेंगे। अगर हम 4 की टेबल में लेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो कितना आ रहा, 16 आ रहा, 4 4 जा कितना आ रहा, 16, 16 का 6 और 1 कैरी इधर। अब 4 की टेबल हमने इससे बोल दी, अब हमें 10 से बोलनी, 10 से बोलनी, 6 टाइम जा रहा, तो 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। तो 24 एक कैरी कितना हो जाएगा, 25, 25 का 2 और कैरी 2 यहाँ। अब 4 की टेबल कहाँ तक बोलनी, 7 तक बोलनी, तो 4 7 जो कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है, 28, ठीक है। और 2 कैरी तो कितना हो जाएगा, 30। तो इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, हमें ये 1 से, ये 10 से, ये 100। पहले 3 की टेबल कहाँ तक बोलनी, 2 तक बोलनी। अगर हम 3 की टेबल लिखेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो कितना आएगा, पहले 6, कोई कैरी नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट है वंस में। फिर 3 की 3 तक बोलनी, 3 3 जा कितना होता, 9 होता, तो यहाँ पे भी 9 क्योंकि सिंगल डिजिट है। अब 3 की टेबल फिर 3 तक बोलनी, तो 3 3 जा कितना होता, 9। तो इस ढंग से हम इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।